हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आप थंबनेल देख के समझ चुके किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास रियलमी का 12X 5G डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी रियलमी का 12X 5G डिवाइस है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिवाइस हीट या ओवरहीट करता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड सेटिंग सिखाऊँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। एंड सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको एक से कभी सेटिंग बताऊँ, तो आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना। ये भी बताऊंगा कि आपका डिवाइस हीट क्यों होता है। जैसे आप किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस गेमिंग करते हैं हीट कर रहा है, चार्जिंग करते हैं हीट कर रहा है, कॉलिंग करते हैं हीट कर रहा है, या अदर किसी वजह से हीट कर रहा है, ऑटोमेटिक पॉकेट में रख रहे हीट कर रहा है, वो भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, आप आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ का लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहते हैं कि ऑफ रहते हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट करने लगता है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है, एंड जिससे आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट करता है पॉकेट में रख रहे वो नहीं करेगा, और खासकर चार्जिंग के टाइम करता है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी बैकग्राउंड में रन करती है और हीटिंग प्रोसेस को हाई कर देती हैं। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, हमेशा आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके रखना है। जब भी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, इंटरनेट चलाने की जरूरत है, तभी ऑन करना है डाटा को। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं बट उनका डाटा ऑन है, मोबाइल पॉकेट में लॉक करके रखा है बट उनका डाटा ऑन है, या मोबाइल घर पर रखा है बट उनका डाटा ऑन है। इससे क्या होता है, डाटा ऑन होने से आपको पता आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन मोड में आ जाता है, सारे दिन सारे एप्लीकेशन रन करने लगते हैं, आपका पूरा मोबाइल का बैकग्राउंड है वो रन करने लगता है, और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट होने लगता है ऑटोमेटिकली ही रखे रखे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जब भी आप मोबाइल को यूज करें तभी डाटा को ऑन करना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कैसे यहाँ पर सेटिंग में आओगे, आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर अपडेट का, ठीक है। किसी किसी का सवाल हो सकता है कि जब से हमने मोबाइल को अपडेट किया है तब से हीट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, अपडेट के साथ साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है अपडेट के बाद आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट कर रहा है, तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि बग फिक्स अपडेट आएगा, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको वो नेक्स्ट अपडेट मिल चुका है, चेक करो, तो आपको उस अपडेट को भी कर लेना है। एंड सिंपली आपको जाना बैटरी में। आपका मोबाइल में सबसे कोई भी चीज़ हीट होती है तो बैटरी होती है, क्योंकि बैटरी पर ही लोड पड़ता है। एंड सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फोन बैटरी यूज ऐप बैटरी मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन आप चाहे तो बैकग्राउंड हो सारी को एक्टिविटी को ऑफ कर सकते हो, बैक आना आपको। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड परफॉर्मेंस मोड चेक करना है आपको सबसे पहले ही, और आपको चेक करना है कि आपका डिवाइस हाई परफॉर्मेंस मोड पर तो नहीं है। जैसे आप इसे ऑन करने जाते हो, आपको हो सकता है ऑन हो पहले से ही, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी है फोन टू हीट अप, यहाँ पर आपका डिवाइस हीट हो सकता है। तो हमेशा नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर आपका मोबाइल को आपको रन कराना है, जिससे आपका डिवाइस हीट नहीं होगा, प्लस बैटरी भी ज़्यादा देर तक चलेगी। ऑप्टिमाइज बैटरी जो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे किसी किसी का सवाल है कि हमारा डिवाइस गेमिंग करता है हीट कर रहा है, कि या किसी अदर एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है, फ्री फायर वगैरह खेलते हो, आपका ऑलवेज आस्क होगा या ऑटो ऑप्टिमाइज होगा, कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया हो, जितने डाउनलोड होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको करना एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और उसे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज पर लगा देना है, डोंट ऑप्टिमाइज की जगह ऑटो ऑप्टिमाइज, ठीक है। जैसे आप ऑटो ऑप्टिमाइज कर दोगे, जब भी आप उस एप्लीकेशन में जाओगे, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से, वाले में वो BGMI हो, PUBG हो, फ्री फायर हो, कोई भी गेम खेलते हो आप, उस पर्टिकुलर गेम की वजह से हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। एंड स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप बैलेंस मोड या सुपर पावर सेविंग मोड में लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फोल्डर है जो टच है वो हीट कर रही है, तो आप सुपर पावर सेविंग मोड में चला सकते हो स्क्रीन को, स्क्रीन आपकी ऑप्टिमाइज रहेगी, बैटरी भी सेव होगी, एंड उस कंडीशन में आपकी स्क्रीन है वो ज़्यादा हीट नहीं होगी। किसी किसी का सवाल होता है चार्जिंग करते हैं हमारा डिवाइस हीट करता है, तो ये देख सकते हो ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, ये चार्जिंग के टाइम पर ऑन हो जाता है, चार्जिंग के टाइम ऑन करो या ऑफ करो कुछ नहीं पड़ता, आपको हमेशा ही परमानेंटली ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये ऑफ होगा, ठीक है, आपको इसे आके ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऑन कर दोगे, ये जब भी आप मोबाइल को चार्ज करोगे, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करके ही चार्ज करेगा, हीट नहीं होने देगा चार्जिंग करता है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक। तो कहीं यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इससे आपको फॉलो करना और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, आपका डिवाइस क्यों हीट करता है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गेम वगैरह खेलते हैं, मोबाइल को ऐसे करके लॉक करके रख देते हैं, वो चीज़ें खुली रह जाती हैं जो आपने यूज की हैं, और आपका डिवाइस रन करता है और हीट होने लगता है। तो हमेशा आपको यूजिंग मेनू पर क्लिक करना है, जो चीज़ आपने यूज की है यहाँ से क्लोज ऑल करना है, यहाँ से ऐसे करके तभी मोबाइल को लॉक करना है, ताकि आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट ना हो। दूसरी बात, जब भी आप चार्जिंग कर रहे हो, तब भी आप यहाँ से क्लोज ऑल करके ही मोबाइल को चार्ज लगाओ, क्योंकि ये रन करेंगे, इसकी भी रनिंग हीट होगी। दूसरी बात, आप चार्ज कर रहे हो उस कंडीशन में भी हीट होगा और आपका डिवाइस ओवरहीट हो जाता है। तीसरी बात, हमेशा आपको अपनी स्टोरेज को खाली एंड क्लीन रखना है। जैसे कि आपको एल्बम में जाना है,
फालतू के फोटो वीडियो आपको डिलीट करने के बाद आपको एल्बम में आने के बाद रिसेंट डिलीट में जाना, जो चीज़ आपने डिलीट की यहाँ से आ जाएंगी और यहाँ से भी आपको डिलीट करना, तभी परमानेंटली डिलीट होंगी और आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट या हीट नहीं करेगा, सबसे पहली बात। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर इतनी कुछ सेटिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, अच्छी वीडियो में बस इतना है।